बिहार में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से हर दिन रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जा रहे हैं। राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था भी लगातार खराब होती जा रही है। इसी बीच आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार पूरी तरह से विफल हो रही है। सरकार की विफलता को लेकर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए के 40 में से 39 लोकसभा सांसद, 9 राज्यसभा सांसद और 5 केंद्रीय मंत्री हैं। 16 वर्षों से एनडीए के सीएम नीतीश और 2 उप मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद भी बिहार वैक्सीन, ऑक्सीजन और बेड की उपलब्धता में देश में सबसे निचले पायदान पर है। इतने वर्षों से एनडीए के सीएम नीतीश और 2 उप मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद भी बिहार वैक्सीन, ऑक्सीजन और बेड की उपलब्धता में देश के सबसे निचले पायदान पर है। लगभग 16 वर्षों से एनडीए के सीएम नीतीश और 2 उप मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद भी बिहार वैक्सीन, ऑक्सीजन और बेड की उपलब्धता में देश में सबसे निचले पायदान पर है। ये सरकार की विफलता को दिखाता है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विगत 3 से 4 वर्षों में आपदा विपदा जैसे चमकी बुखार, बाढ़, सूखा, जलजमाव, प्रवासी श्रमिकों का पलायन, कोरोना इत्यादि में बिहार को कभी भी केंद्र सरकार का सकारात्मक सहयोग नहीं मिला है। बिहार वासियों ने लोकसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत दिया था, लेकिन केंद्र सरकार की पक्षपाती नीतियों, निर्णयों और सौतेले व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है मानो केंद्र सरकार बिहार को देश का अभिन्न अंग नहीं मानती है। जनसंख्या व क्षेत्रफल के साथ साथ गरीबी, बेरोजगारी, पलायन और कोरोना संक्रमण दर इत्यादि में बिहार देश के अव्वल प्रदेशों में है, लेकिन इसके बाद भी बिहार को उस अनुपात में केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो इसके लिए नीतीश सरकार को दोषी मानते हैं। उन्होंने कभी भी किसी भी बैठक में बिहार के लिए हक नहीं मांगा है। बाकी के प्रदेश संसाधनों की कमी की बात केंद्र से खुलकर रख रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश केंद्र के सामने कोई भी बात रखते हैं तो बिहार के इतिहास के सबसे कमजोर मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री इस समय मृत्यु और जांच के आंकड़े को कम करने में व्यस्त हैं। उन्होंने राज्य को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। इसके लिए वो अब कोर्ट को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने राज्य के लिए विशेष राज्य का भी दर्जा नहीं मांगा है। बता दें आपको, हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट ट्रेंड भोजपुरी की रिपोर्ट।